सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ MSBT ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्जाम के बारे में। तो जैसे आपने टाइटल पढ़ा है वही इस वीडियो में आपको देखने मिलने वाला है कि भाई आपको कौन कौन से वेज जो है बिल्कुल ट्राई नहीं करने हैं एग्जाम में कॉपी करने के लिए या चीटिंग करने के लिए। अगर आप इसमें से कोई भी एक वे अगर आप ट्राई करते हो तो ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, इवन आपको जो है रेस्टिकेट तक किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से जो तरीके हैं चीटिंग करने के, जो अगर आपने अब तक किया होगा तो इस बार आपको बिल्कुल नहीं करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं भी कह रहा हूँ वो ये है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो ये तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका ये फाइनल ईयर है तो ये आपको और ज़्यादा ध्यान से ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले जो थिंग आती है वो ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट किस तरीके से कॉपी कर लेते हैं, तो वो ये होता है कि साइड में एक फ्रेंड को बिठा लिया, क्वेश्चन जो है रीड करेंगे थोड़े ज़ोर से ताकि उसको सुनाई दे, और फिर आपका जो भी आपका पार्टनर है वो जो है गूगल पे सर्च करेगा, फिर जो आंसर मिलेगा वो आपको जो है हिंट देता है और आप उसको देखते हो ABCD वो जो भी हिंट देगा तो आप जो है राइट आंसर फिर टिक कर देते हो। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आप पूछोगे भाई क्यों नहीं करना है, तो इसको देखो दो रीज़न आते हैं। सबसे पहले इस बार जो MSBT ने सेट किया है ना, आपका जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है उसमें जो है ऑडियो रिकॉर्ड एनेबल ऑप्शन है। अब वो होगा या नहीं होगा वो बात का क्वेश्चन है, लेकिन वो आपसे परमिशन मांगता है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है। तो आपको जो है वैसे भी बोलना अलाउ नहीं है, उनके गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है तो आप बोल नहीं सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, MSBT की जो गाइडलाइंस आती हैं उनमें ये भी बताया हुआ है कि आपका जो फेस है वो स्ट्रेट होना चाहिए और वो जो है प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ कहाँ जो है बहुत देर तक देखते हो लाइक 30 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट तक, तो वो आपको जो है वार्निंग्स देना स्टार्ट कर जाएगा। और अगर आप जोर जोर से बोलते हो तो भी आपको जो है वार्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो 2-3 बार आपको देगा कि भाई आप मान जाओ, आप यहाँ वहाँ मत देखो, जोर जोर से चिल्लाओ भी मत, बोलो भी मत, तो आप जो है ओके करते हो और वो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आप नहीं मानोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जो पर्टिकुलर पेपर है वो जो है आप दे नहीं पाओगे, वो अलाउ नहीं करेंगे आपको आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो इसके लिए ये वाला जो फर्स्ट जो मैंने आपको कहा चीटिंग का वे, जो नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते आए हैं, उन्हें नहीं करना है। दूसरा जो वे आता है जो स्टूडेंट्स नॉर्मली चीटिंग करते हैं कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, तो वो ये होता है कि साइड में अपना मोबाइल रख लो और फिर कोई भी क्वेश्चन रीड करो, तो वहाँ पर जो है फिर जो भी हमारे वॉइस असिस्टेंट ऐप्स होते हैं लाइक आप कह सकते हो गूगल का, एप्पल का, इस टाइप के, तो वो जो वॉइस असिस्टेंट आप यूज़ करते हो फिर वो गूगल पे उस क्वेश्चन को आपने जो भी कुछ कहा वो लेगा, गूगल पे सर्च करेगा और आपको रिजल्ट शो करता है। तो यहाँ पर जो है MSBT गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप आपके टेबल पर नहीं रख सकते, दो आप वो नीचे रखोगे वो कैमरा में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप बोलोगे तो वो आवाज़ जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर कोई ऐसे झटके में नहीं मिलता है, आपको थोड़ा सर्च करना होता है तो आप नीचे भी तो देखोगे मोबाइल की तरफ और स्क्रॉल करोगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये भी बताया MSBT गाइडलाइंस में कि भाई कोई तो वहाँ पे बैठा होगा सामने, मेंटर कह सकते हो आप या कोई भी टीचर जो आपके ऊपर वॉच रख रहा होगा, तो ऐसे जो मूवमेंट्स हैं वो अलाउ नहीं है। अगर ऐसा भी आप कुछ करते हो तो आपको वार्निंग्स आ जाएंगी, तो ये थिंग भी आपको जो है नहीं करनी है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग आती है जो स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं वो है ब्राउज़र स्विचिंग। ब्राउज़र स्विचिंग में होता क्या है कि भाई एक लाइक मान के चलो आपका सफारी ब्राउज़र है या आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र जहां पर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और दूसरे ब्राउज़र में आपने जो है PDF फाइल ओपन करके रखी है, या आप जो है दूसरे ब्राउज़र में जो है स्विच होकर कोई क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट करके आप वहाँ पर आंसर ढूंढते हो। तो यार मैं आपको एक थिंग बता दूं कि जो इस बार एग्ज़ाम है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है उसमें आप जो है ब्राउज़र स्विच नहीं कर सकते। जो MSBT ने गाइडलाइंस दी है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप ब्राउज़र स्विच नहीं कर सकते हो। एक थिंग जो वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं की वो है टैब स्विचिंग। शायद उन्होंने टैब स्विचिंग अलाउ कर रखा है लेकिन ब्राउज़र स्विचिंग को उन्होंने नो करके रखा है, प्रोहिबिटेड करके रखा है। तो आप ब्राउज़र स्विच नहीं कर सकते हो, अगर आप करते हो तो यहाँ पर भी आपको वार्निंग देखने मिल जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो ये है कि नॉर्मली जो अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं वो ये भी ट्राई करते हैं, वो थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हैं आप ऐसे कह सकते हो, वो करते हैं स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग से होता ये है कि आप टीम व्यूअर, एनी डेस्क, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप स्क्रीन शेयर कर लेते हो। दो अब ऑफकोर्स MSBT गाइडलाइंस में स्क्रीन शेयरिंग ऐसी कोई चीज़ के बारे में नहीं बताया है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि दो उन्होंने गाइडलाइंस में नहीं दिया है, लेकिन क्या वो जो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप एग्ज़ाम देने वाले हो क्या वो अलाउ करेगा आपकी स्क्रीन शेयरिंग या नहीं करेगा, तो ये भी एक बिग क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने अपने गाइडलाइंस में वैसे मेंशन नहीं किया है कि आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हो।
लेकिन हो सकता है वो ब्लॉक कर दे और हो भी सकता है वो ना भी ब्लॉक करे। तो दो रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये भी नहीं करना चाहिए स्क्रीन शेयरिंग। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपने ये तो सब बता दिया कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो अब ये तो बता दो कि फिर हम करें क्या, पढ़ाई कैसे करें। तो इसका बेसिक सिंपल सा आंसर है, पढ़ाई तो आपको ऑफकोर्स करनी होगी, बिना पढ़ाई किए तो आप एग्ज़ाम पास भी नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ाई करने का एक तरीका होता है। ऑफकोर्स आपके पास टाइम कम है, इवन कॉलेजेस ने भी कोई बहुत अच्छा खासा सिखाया नहीं है क्योंकि उनके पास भी टाइम कम ही था, तो आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो। तो स्मार्ट वे से अप्रोच से आप पढ़ाई करो। स्मार्ट वे का मतलब ही ये होता है कि जो भी कुछ आप पढ़ोगे अब वो एकदम स्मार्टली अंडरस्टैंड करके और कंसेप्चुअल वे आप पढ़ाई करो। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि जस्ट लाइक मान के चलो आप 6 सेमेस्टर के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो और आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, तो इसकी पढ़ाई कैसे की जानी चाहिए। आपको सबसे पहले आपका सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस के अंदर टोटल 6 यूनिट आती हैं, लाइक तो पर्टिकुलर यूनिट को वेटेज कितना है, उस पर्टिकुलर यूनिट को जितना ज़्यादा वेटेज होगा तो ऑफकोर्स वहाँ से उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको जो है उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर सब टॉपिक्स को देखने हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपको वो मार्क करने हैं, आपको वही पढ़ना है। ओवरऑल बच्चे करते क्या हैं, वो जाएंगे साइंस फाउंड्री पर, एग्जाम वेड़ा, यहाँ वहाँ सब जगह जाएंगे और वहाँ पे हैं अवेलेबल 100 और थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। आप उन सबको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई मैं ऐसे कह रहा हूँ, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको MCQs ही सॉल्व करने होंगे, नो डाउट ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, लेकिन यार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो ना जो आपके सिलेबस में। अब अगर आप यहाँ पे जाते हो एग्जाम वेड़ा पे, तो वो क्या कंप्यूटर डिप्लोमा का ही थोड़ी डाल के रखा है, उसमें उन्होंने इंजीनियरिंग भी इंक्लूड की हुई है। इवन अब हम जो आपके लिए MCQs लाते हैं, अगर आप विजिट करते हो tutotech.com पे, MSBT MCQs पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर हमने आपके लिए MCQs पब्लिश किए हुए हैं। यहाँ पे आपको जो है फाइनल यानी कि 6 सेमेस्टर के जी और आई स्कीम दोनों के आपको MCQs मिल जाते हैं। हमने जो MCQs बनाए हैं आपके लिए वो है आपके सिलेबस के बेस पे, पर्टिकुलरली आपका पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के MCQs मिल जाते हैं, और इसके अंदर जो MCQs होते हैं विद आंसर्स होते हैं, और ये कम्प्लीटली PDF फाइल है, और इसके अंदर वो सारे MCQs हैं जो IMP हैं। अब आप कहोगे कि भाई इनको डाउनलोड कर लेंगे, इनको ले लेंगे तो हम पास हो जाएंगे क्या, यार ऐसे नहीं होता है, ये आपके प्रिपरेशन के लिए है। इसको लेने के बाद आपको 3 चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भाई आपके यूनिट 1 में कौन कौन से IMP क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अब जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस टॉपिक रिलेटेड मुझे ये क्वेश्चन मुझे पढ़ना चाहिए। दूसरा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको समझ में आएगा कि आपने खुद ने अब तक कितना पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप खुद को टेस्ट कर रहे होगे। तो ओवरऑल हम जो MCQs प्रोवाइड करते हैं वो सिलेबस बेस्ड है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारे ही साइट से जाके डाउनलोड करो, तो ओवरऑल आप किसी भी साइट पे जाओ डजेंट मैटर, लेकिन उन MCQs की प्रिपरेशन करो जो आपके सिलेबस से मीट करते हैं, जो भी आपका यूनिट है उससे मीट करते हैं, सो दैट आप जो है कम से कम टाइम में जो रिजल्ट आप जनरेट करो वो इफेक्टिव रिजल्ट हो, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपको इंजीनियरिंग में एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो पढ़ाई करने का भी एक तरीका होता है, और उस तरीके को फॉलो करोगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छे मार्क्स ही गेन करोगे। तो गाइस होपफुली ये जो वीडियो है आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एक लाइक ठोक दो, चैनल पे न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आपको बहुत एक्टिव जो है यहाँ पर वीडियोस देखने मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।